नमस्कार मित्रों, मैं आज बिहार दरोगा की अंतिम रणनीति पर बात करने आप लोगों के सामने आया हूं, क्योंकि अब बिहार दरोगा एग्जाम में सिर्फ 7 दिन बचे हैं और यह 7 दिन आपके लिए बहुत ही निर्णायक है। इस 7 दिन में हम लोगों को क्या करना चाहिए? अब तो मेरा सबसे पहला सलाह है आप लोगों को कि आप लोग एग्जामिनेशन में जब जाएं तो आपका जो माइंड सेट होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। वो माइंड सेट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने का मतलब यह हुआ कि आपको पता है कि इस एग्जाम में लड़कियों के लिए जो कट ऑफ होगा वो होगा 40 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 और लड़कों के लिए जो होगा वो होगा 55 क्वेश्चन। तो आप ये सोचें कि आपको 100 क्वेश्चन में सिर्फ 55 क्वेश्चन करना है या फिर आपको 100 में सिर्फ 40 क्वेश्चन करना है। और मेरे समझ से ये काफ़ी कठिन नहीं है, क्योंकि आपकी तैयारी पिछले कई महीनों से बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। तो ये सोचें कि इतना प्रश्न तो हम अवश्य कर लेंगे, इसलिए एग्जाम में जब भी जाएं तो पॉजिटिव माइंड सेट से जाएं। मेरा पहला सलाह आप लोगों से ये है। दूसरा सलाह है कि अब आप सिर्फ और सिर्फ करेंट इवेंट्स को रिवाइज करें। किसको रिवाइज करें भाई? करेंट इवेंट्स को। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। पिछले 1 साल का करेंट बहुत सारे कलेक्शन आए हुए हैं, आप उसमें से कोई एक बुक ले लें, कोई एक मैगजीन ले लें और उसको रिवाइज करें। करेंट को ही बार बार रिवाइज करें। और अगर स्टैटिक पार्ट में अगर कुछ पढ़ना है आप लोगों को, तो मेरा एक सलाह है, अंतिम समय का सलाह, कि एक बहुत पतली बुक अरिहंत पब्लिकेशन का आता है, उस पर लिखा होगा 2020 सामान्य ज्ञान। बहुत पतली बुक है, 20 से 25 रुपए में मार्केट में मिल जाती है और उसके राइटर हैं मनोहर पांडे। 1 सप्ताह में आप उस बुक को पूरा रिवाइज कर ले, मेरा मानना है कि निश्चित तौर पर आपको 5 से 10 मार्क्स का फायदा हो जाएगा इस बुक के रिवीजन से। बहुत पतली बुक है, आप उसको एक बार जरूर थॉरली मेरे सलाह पर रिवाइज कर लीजिए, वो आपको बहुत काम आएगा। रिस्ट एक बार पहले भी हम आपको सलाह दे चुके हैं कि जो एडमिट कार्ड में आपके एग्जाम का टाइम दिया हुआ है, आप सेट बनाएं, एक एक सेट प्रतिदिन उसी समय में, तो आप 5-6 सेट आप बना पाएंगे। इससे आपका जो सॉफ्टवेयर है ब्रेन का, वो तैयार होगा उसी समय सेट बनाने के लिए। उस समय ना उसको भोजन की जरूरत पड़ेगी, ना उसको नींद आएगी, तो आपका सॉफ्टवेयर तैयार रहेगा सेट बनाने के लिए। तो ये एक मेरा सलाह है। दूसरा सलाह ये है मेरा कि आप लोग ये मान के चले कि एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्किंग होते हुए भी आपको 100 में 100 अटेम्प्ट लेना है। बिल्कुल आप उसी प्रश्न को छोड़ेंगे जिसमें कि आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो। अगर आप प्रश्न बना रहे हैं और उसमें से ऑप्शन में 2 ऑप्शन को भी अगर आप इलिमिनेट कर पा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उस प्रश्न के साथ आप जाएं, उस प्रश्न को बनाएं। मेरा आप लोगों से सलाह है। नेक्स्ट अगला सलाह यह है कि एग्जामिनेशन में जब भी जाएं आप, तो आप एग्जामिनेशन के टाइम से 1 घंटा पहले सेंटर पर अवश्य पहुंच जाइए। 1 घंटा पहले सेंटर पर पहुंच जाना है। कई बार देखते हैं कि किसी कारण से एग्जामिनेशन हॉल में लेट पहुंचे और हम घबरा जाते हैं और इससे मेरा परीक्षा का शुरुआती समय काफ़ी डिस्टर्ब चला जाता है, इसलिए आप समय से पहुंचें, ये मेरा आपको सलाह है। रिस्ट आप एग्जामिनेशन हॉल में पानी के जगह ग्लूकोज लेके जाएं, या फिर आप टॉफी या चॉकलेट भी अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर आप थोड़ा भी बायोलॉजी पढ़े हैं तो ब्रेन का जो भोजन है, ब्रेन का जो रिक्वायरमेंट है ऊर्जा के लिए, वह है ग्लूकोज, और ग्लूकोज से आपका ब्रेन एनर्जी प्राप्त करता है। तो जब आप एग्जामिनेशन में 20 से 25 मिनट या आधा घंटा लगातार कंसंट्रेट करते हैं तो आपका ब्रेन थकता है
और आप थोड़ा सा ढीला पड़ जाते हैं, तो उस समय आप ग्लूकोज लें, आप टॉफी लें, आपका ब्रेन फिर से बहुत सक्रिय रूप से कार्य करना प्रारंभ करेगा। तो यह भी मेरा एक सलाह है आप लोगों को। दूसरा सलाह यह है कि कई बार बच्चे ओएमआर सीट भरने में गड़बड़ कर देते हैं, तो आपको मेरा सलाह है कि सबसे पहले आप 100 क्वेश्चन को बहुत ही प्रेम से, बहुत ही स्थिर से कंसंट्रेट करके पढ़ लें, और जिस प्रश्न का आंसर लगता है आपको कि हम बिल्कुल जानते हैं, उस प्रश्न को करके ओएमआर सीट में पहले उसको कलर कर लीजिए। दूसरे फेज में उस प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए जहां पर कि थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन है, और तीसरे फेज में उस प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिए जहां लगता है कि इस प्रश्न के बारे में हमको बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो ओएमआर सीट में सबसे पहले आप भर लीजिए, जिसको आप निश्चित बना सकते हैं, बनाए हैं, भर लें, और उसको काउंट भी कर लीजिए। इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हम कितना बना पाए हैं, कितना नहीं बना पाए हैं। क्लियर है? अगला बात यह आप लोग को ध्यान रखना है कि आप प्रॉपर तरीके से अब नींद लें, 7 से 8 घंटा अवश्य सोएं। इससे आपका मस्तिष्क बहुत ही सक्रिय रहेगा, कार्य करने में सक्षम होगा। तो नींद भी बहुत जरूरी है। ये ऐसा ना हो कि हम लोग जो हैं, आप नींद कम लें और एग्जामिनेशन के समय हरासमेंट ऐसा अनुभव हो, थका हुआ अनुभव हो, और फिर वहां सही तरीके से आपका ब्रेन काम नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से अंतिम समय की जो रणनीति है उस पर हम आपसे चर्चा किए, शायद ये आपके लिए बहुत ही निर्णायक साबित होगा। तो धन्यवाद मित्रों, मैं आपको अभी से इस एग्जाम की सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से सफल होंगे। तो धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले सजेशन के साथ।